हेलो 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 हाँ बेटा आई एम ऑडेबिल हेलो 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 हाँ बेटा सुन पा रहे हो ना सुन पा रहे हो देख पा रहे हो तो एक बार थम से रिप्रेजेंट कर दो कंटिन्यू करते हैं ठीक है सबसे पहले सारे के सारे ज्वाइन करो फटाफट तेजी से ज्वाइन करो ठीक है ठीक है जैसे आज से प्रॉमिस किया था कि आज पूरा एनसीआरटी हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के PYQs और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो लाइन वाइज लाइन होंगे क्लियर है ठीक है तो फटाफट तेजी से ज्वाइन करो फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन ठीक है ओके ऑडिबिलिटी अगर परफेक्ट है मतलब आई एम ऑडिबिल ओके ठीक है ऑडिबल भी हैं विजिबल भी हैं स्टार्ट करते हैं साउंड एक बार और देख लेते हैं हेलो हेलो हाँ ठीक है ठीक है साउंड भी परफेक्ट है ओके okay, ठीक है तो सारे ज्वाइन कर चुके हैं और तेजी से कर लो ठीक है नहीं किया तो तेजी से कर लो ठीक है तेजी से ज्वाइन करो और फिर कंटिन्यू करके आज चैप्टर को एकदम इस तरीके से कर लेते हैं एनसीआरटी लाइन वाइज लाइन क्रिस्टल क्लियर कि जिससे कि अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो आउट नहीं जाएगा जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है वो एनसीआरटी को पूरा कवर कर लेंगे और हर टाइप के कंसेप्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्लियर है हो गए जॉइन सारे के सारे चलो ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं ठीक है टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा ठीक है ड्यू टू सम ठीक है कुछ प्रॉब्लम थी ठीक है अब कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा मैं ठीक है अब तेजी से फोकस कर लो दो घंटे के अंदर हम करीब बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और लगभग एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट तो एनसीईआरटी आपके सामने है तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन कि एक्सक्रीशन है क्या क्लियर है बिल्कुल तो मैंने बताया था कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिनको उपापचयी क्रियाएं भी बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक है उन मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें डिफरेंट चीजें ब्रेक हो रही हैं बहुत सारी चीजें बन रही हैं तो ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म मैकेनिज्म चल रही है ठीक है ठीक इस के दौरान बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोड्यूस होते हैं ठीक है और ठीक है बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस्ड या एक्सेस अमाउंट में आइंस प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के लिए थोड़े टॉक्सिक भी होते हैं ठीक है उनका एक्सिस में डिपोजिट होना तो उन सबको जो इलिमिनेट करने की है समझ ना, उन सबको जो मैकेट करने की है, इसी को हम बोलते है, एक के अंदर एनिमल एक्मिलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ठीक है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड भी नाइट्रोजन स्पेस मतलब एक्स्ट्रीट्री बेस्ड है ठीक है इसके अलावा वाटर इंस लाइक सोडियम क्लोराइड फॉस्पेट सल्फेड एक्सेट्रा ठीक है एक्टिविटीबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रो ठीक है और बाय अदर मीन लाइक एक्सिस आपने क्या कर लिया उसको इंजेशन कर लिया ज्यादा अमाउंट में उसको बॉडी में धारण कर लिया ठीक है तब भी इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा दी सबेंस है रिमूवड

इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन समझे या नहीं चलो बहुत बढ़िया बेहतरीन ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं अगर मैं नाइट्रोजनस बेस्ड की बात करता हूं तो इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो थ्री ग्रुप में ठीक है ऐसे एनिमल जिनका नाइट्रोजनस बेस्ड ठीक है अमोनिया होता है ठीक है उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल जिनका नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया होता है यूरियोटेलिक और जिनका नाइट्रोजनस बेस्ड समझना मेरी बात यूरिक एसिड होता है उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक थ्री पार्ट में डिवाइड किया है हमने क्लियर है अब अमोनिया कहां होगा ध्यान रखना पहले अमोनिया के बारे में बताने चाहिए अमोनिया प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है जो लगभग हर एनिमल के अंदर बनता है इट इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड बिज प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल ठीक है बट रेडली सोलेबल एनसीआर टी की लाइन रेडली सोलेबल है ठीक है आप समझ रहे हो highly soluble है तो उसको करने के लिए lot of water, बहुत ज़्यादा में water की requirement होती है दूसरी बात ध्यान रखनी है अगर ammonia की बात की जाए तो हाईली नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी इसलिए बॉडी में उसको स्टोर नहीं कर सकते टियर बिल्कुल क्योंकि प्राइमरी नाइट्रोजन पेस्ट है ठीक है हाईली टॉक्सिक होता है ठीक है अगर मैं अमोनिया के रिमूव करने की बात करूं ठीक है तो किडनी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है अमोनिया को रिमूव करने में हाथ बट अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में फिर से बोल रहा हूं अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में रिमूव होता है या तो गिल्स के थ्रो आप समझ रहे हो या तो गिल्स के थ्रो ठीक है या बॉडी सरफेस के थ्रो ठीक है गिल्स के थ्रो या बॉडी सरफेस के थ्रो ये अमोनिया अमोनियम आयन की फॉर्म में रिमूव होता है ये क्वेश्चन बनता है ठीक है तो अमोनिया की बात करता हूं ठीक है अमोनिया इज है तो ऐसे एनिमल जिनका अमोनिया नाइट्रोजनस बेस्ड है उनको इस मैकेनिज्म को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं और ऐसे एनिमल कौन से एनिमल होंगे क्योंकि तो अमोनिया वही रिलीज करेगा जो एक्वाटिक कंडीशन में जिसके पास लॉट ऑफ वाटर है तो तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको ठीक है ठीक है अगर मैं बात करता हूं एक्वाटिक कंडीशन में तो बोनी फिश क्योंकि जहां हम कार्टिलेजनस फिश की बात करते हैं तो कार्टिलेजनस फिश यूरियोटेलिक होते हैं क्लियर है दूसरा एक्वेटिक एक्वेटिक आ जाएगा एक्वेटिक एम्फीबिया जहां नॉर्मल एम्फीबिया की बात करता हूं ठीक है नॉर्मल एम्फीबिया की बात करता हूं तो यूरियोटेलिक होते हैं एम्फीबिया लाइक लार्वा वो अमोनोटेलिक होते हैं ठीक है एक्वेटिक इंसेक्ट अगर नॉर्मल इंसेक्ट की बात करता हूं कंफ्यूज मत होना नॉर्मल इंसेक्ट इंसेक्ट की बात करूंगा तो यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं पर एक्वेटिक लगा दिया मैंने एक्वेटिक तो समझ लेना Aquatic लग गया तो ये क्या हो गया बेटा तो ध्यान रखना है आपको ये अमोनो अमोनिया एस इट इज रेडली सोलेबल बताया था रेडली सोलेबल होता है इज जनरली एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है किस, कहां से निकलता है बॉडी सरफेस से और या गिल्स के थ्रू

अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकाला पर कंडीशन पर चेंज तो करना, तो करना पड़ेगा क्लियर है बिल्कुल क्योंकि वहां पानी कम है कम्पेरेटिव ठीक है पानी कम है तो अमोनिया को रिमूव नहीं किया जा सकता तो उन्होंने अपने अंदर एक प्रोसेस प्रोसेस डेवलप किया उस प्रोसेस के थ्रू वो अमोनिया अब कन्वर्ट हो गया यूरिया में विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैप हेंसलेट साइकिल तो इसके थ्रू ये अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया यूरिया में क्लियर है बिल्कुल तो एकदम कंसेप्ट ध्यान रखना अमोनिया कन्वर्ट इन टू यूरिया और ऐसे एनिमल जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको यूरियोटैलिक बोलते हैं क्लियर है बिल्कुल तो टेरिस्टिल एडेप्टन की बात करता हूं ठीक है नेसेसाइज द प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक like यूरिया ये जरूरी थी ठीक है अगर ये नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था ठीक है और यूरिक एसिड ये कंपरेटिव लेस टॉक्सिक होते हैं ठीक है जो वाटर कंजर्वेशन पर काम करते हैं ऐसे एनिमल जो यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज करते हैं वाटर कंजर्वेशन पर काम करते हैं कंजर्वेशन यानी वाटर को बचाना है क्लियर है बिल्कुल जैसे मैमल्स मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिश ठीक है मैरीन फिश के अंदर किसकी बात चल रही है कार्टिलेजनस फिश फिर से बोल रहा हूं अगर मैं मैमल्स की बात करूं ठीक है

अमोनोटेलिक क्लियर, क्लियर एग्जाम्पल यही याद रखने हैं आपको ठीक है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू द यूरिया ठीक है अब कहा कन्वर्ट होती है अमोनिया यूरिया में के अंदर किस साइकिल के थ्रू थ्रूथिंग साइकिल इट इज क्रैब हेंसलेट साइकिल ठीक है है और एक्सक्रीट किसके थ्रू होती किडनी के थ्रू सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स आगे बढ़ाऊंगा ठीक है और थोड़ा पढ़ भी चुकी होगी आपको कि किडनी के मैट्रिक्स में भी कुछ अमाउंट यूरिया ऑलवेज रिटेन रहता है मैट्रिक्स में भी कहा मेडुला के अंदर क्या करता है ये यूरिया मेडुला की ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और यह ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट काउंटर करंट समझ लो तो अहम भूमिका निभाता है जो मैं काउंटर करंट में बताने वाला हूं ठीक है ठीक है एनिमल टू मेंटेन द ठीक है यह क्या करता है ऑस्मोलैरिटी डिजाइड ऑसमोलरिटी को मेंटेन करता है जबकि अगर मैं रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल तीनों पे क्वेश्चन आता है एंड इंसेक्ट इन चारों की बात करता हूं रेप्टाइल बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट ये चार ये चार ध्यान रखने क्या रिलीज कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस्ट कौन सा रिलीज करना है यूरिक एसिड और जो यूरिक एसिड रिलीज करता है ठीक है वो क्या काम कर रहा है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर पे काम कर रहा है क्योंकि यूरिक एसिड लीस्ट सोलिबल होता है सबसे कम सोलेबल होता है समझ रहे ना मेरी बात तो इसको रिमूव करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो ऐसे एनिमल जो जिनको वाटर कंजर्वेशन बहुत ज्यादा करना था तो उन्होंने उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया चार एग्जाम्पल ध्यान रखने और ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल क्लियर है और यूरिकोटेलिक एग्जाम्पल एकदम ब्रेन में सेट थे है ठीक है आगे बढ़ रहा हूं ठीक है अब हम बात करते हैं इन एनिमल के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ठीक है

एसकेल मंथी इसके बाद एनीलिडा नेफ्रीडिया थे नेफ्रीडिया और आगे बढ़ो ठीक है एनीडा की बात कौन आते हैं ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा में दो बातें ध्यान रखनी है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल पिकिंग बट इसके अलावा जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स थे लाइक प्रॉन ठीक है इनके पास ग्रीन ग्लैंड एंड एंटीनरी ग्लैंड थे ठीक है ऑर्थोपोडा के बाद आगे बढ़ोगे ठीक है ऑर्थोपोडा

ठीक है है अब क्या-क्या याद रखना है आपको आपको इन्हीं को बोलते हैं फ्लेम सेल, मैंने पढ़ाया है था आपको, फ्लेम सेल या सेल भी बोल सकते हो जो कहां देखने को मिलते हैं ठीक है मेनली प्लेटियलमन में देखने को मिलते हैं जिनको प्लेटफॉर्म बोलते हैं जैसे प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके अलावा ये रोटी फर्स और समलिट्स में भी देखने को मिलते हैं फिर से बोल रहा हूं मैं प्रोटोनेफ्रीडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल तीन एग्जाम्पल प्लेटियलमन थी प्लेनेरिया याद रखना है। रोटी सम एनी लीडा, क्योंकि वहां पर भी थे ठीक है? में कौन एम्फियोक्सिस जिसको हम लेंस लिड भी बोलते हैं जिसको ब्रैन भी बोलते हैं कॉर्डेट्स में ओनली सिफेलो ठीक है बाद बाकी के सारे कॉर्डेटा के अंदर बात करते हैं तो किडनी था क्लियर है बिल्कुल चलो इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोनिया प्रोटोन आर प्राइमरी प्राइमरी कंसर्न विद आयोनिक एंड वॉल्यूम रेगुलेशन भाई प्रोटोन की बात करूं ठीक है इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं किडनी की बात करूं कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कर क्या रहा है बॉडी के अंदर आयोनिक और फ्लूड के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन NCRT की एक एक लाइन क्लियर करा दूंगा ढेर सारे क्वेश्चन तो की जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चरिडिया और कहा मिलते हैं नेफ्रीडिया अभी बताया एनेलिडा के मतलब स्ट्रक्चर कहां होगा एनेडा का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर एक्साम्पल दे रखा है जैसे अर्थफॉर्म एंड अदर एनिलीड्सॉर्म याद रखो ठीक है एग्जांपल क्या है नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया हेल्प इन वही रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड एंड मेंटेन द फ्लूइड आयोनिक बैलेंस यानी ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अगर मालपीगियन ट्यूब्यूज की बात करते हैं तो मैंने कॉकरोच में पढ़ाया था कॉकरोच यानी मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच इंक्लूडिंग कॉकरोच मालपीगियन ट्यूबुल 100 से 150 होते हैं

एक्सट्रीटरी स्ट्रक्चर इन इनवर्टिव एंड वर्टिवरेट तो ये वाली बात क्लियर है यहां तक कोई डाउट यस या नो ठीक है कमेंट में चाहिए यार यस या नो एकदम क्रिस्टल क्लियर है अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब क्वेश्चन आप फटाफट करते जाओगे एनसीआरटी की लाइन से उठाए मैंने ठीक है रेगुलेशन वाले क्वेश्चन हाईली कंसेप्चुअल है मजा आएगा ठीक है विच ऑफ द फॉलिंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज नॉट जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो देखो पूछा क्या है इज नॉट यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक नहीं है यानी यूरिक एसिड रिलीज नहीं करता ठीक है तो भाई रेपटाइस यूरिकोटेलिक होते हैं टेरिस्टियल टेरिस्टियल इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं ठीक है लैंड स्नेल ठीक है लैंड स्नेल यूरिकोटेलिक होते हैं एनसीईआरटी की लाइन है हाँ एनसीईआरटी तो ने साफ साफ दे रखा है कि एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एनसीआर इंसेक्ट अमोनोटेलिक होते हैं तो आज एनसीईआरटी पर एकदम मास्टरी हो जानी चाहिए क्लियर मुझसे पहले रिस्पोंस दो द टर्म अमोनोटेलिक यूरियाटेलिक यूरिकोटेलिक आर यूज्ड टू तो डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब कर रहे हो इसके बेस पर मोड ऑफ एक्सक्रीशन नो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन नो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल यस जिसमें नाइट्रोजनस बेस्ड अमोनिया होगा अमोनोटेलिक यूरिया होगा यूरियोटैलिक यूरिक एसिड होगा इसके बेस पर एब्सोल्युटली राइट right. ठीक है मॉडिफिकेशन ऑफ किडनी टिब्यूज नो तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं करेक्ट पूछा है अंडरलाइन कर लो मैनी बोनी फिश एक्वेटिक एम्फीबिया एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर यस अमोनोटेलिकोटेलिक बोनी फिश की बात कर रहा है यस एक्वेटिक एम्फीबिया यस इंसेक्ट एक्वेटिक लग गया ना

समझ रहे हो यस या नो सुपर सुपर बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है बहुत सही ठीक है बहुत बढ़िया सुपर 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 ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एसरसन रीजन जिस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ठीक है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन फिर से बोल रहा हूं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन अनुकूलन यानी धरती पर रहने योग्य अपने को अनुकूलित करना टेरेस्ट्रियल ठीक है अभी लाइन बोल रहा हूं ठीक है द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस यस अगर आपको टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन करना है तो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड बनाना होगा ठीक है जो स्मॉल अमाउंट में स्टोर हो सकता है जिसको रिमूव करने के लिए कंपेरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए क्यों ठीक है रीजन क्या है दे नीड टू

एंड मैरीन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया ठीक है यस मैरीन फिश भी यूरिया करती है एम्फीबिया भी यूरिया करते हैं terrestrial ये भी करते हैं नन ऑफ द एव इज रॉन्ग नहीं फर्स्ट रॉन्ग आप कहोगे क्योंकि किडनी लगा दिया उन्होंने ठीक है तो फर्स्ट रॉन्ग है तो ये नहीं लगाओगे ए लगाओगे ए ठीक है यहां तक कोई डाउट नेक्स्ट आ जाओ स्टेटमेंट फर्स्ट देखो टेस्टेशन प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन बेस लाइक यूरिया यूरिक एसिड एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर ठीक है स्टेटमेंट ठीक है नहीं नहीं होगा. तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा तो बी लगाओ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ऑप्शन आना चाहिए मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो बी ऑप्शन आना चाहिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओके चलो तुम्हारे चलो यहां तक क्लियर है बिल्कुल यहां तक कोई डाउट शाउट किसी को कैसा भी नहीं है चलो ठीक है एकदम बढ़िया परफेक्ट सुन पा रहे हो अच्छे से देख पा रहे हो तो बेटा आ जाओ तेजी से तेजी से ज्वाइन कर लो ठीक है एकदम बढ़िया परफेक्ट ठीक है बहुत बढ़िया सुपर चलो बहुत बढ़िया ठीक है यहां तक क्लियर है किसी कोई डाउट शाउट, आगे बढ़ रहा हूं मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना टू टू तो तो एकदम क्लियर करा के ही जाऊंगा ठीक है तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड जरा मैच कर दो तो फटाफट तेजी से ठीक है मैचिंग में डालो नेफ्रीडिया मालपीन ट्रिब्यूल एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड अभी बताया क्रिस्टेशन में मिलती है

अगर मैं ह्यूमन एक्सिडी सिस्टम की बात करता हूं जो मैथ कराने वाला हूं उससे रिलेटेड अच्छा जी क्वेश्चन आगे आना चाहिए था कोई नहीं ठीक है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 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 वन वन पेयर पेयर शेप किडनी ब्लडर एंड अ अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अथ्रा सही है भाई किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टीब्रे ठीक है क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एबडोमल कैविटी ये भी ठीक है डॉर्सल वॉल ऑफ ऑफ एब्डोमिनल आउटर लेयर लेयर, लेयर किडनी इज स्मूथ स्मूथ नो, फाइब्रस, फाइब्रस, फाइब्रस होती होती, है, नहीं होती. पूछा है, है ठीक नहीं पूछा तो रॉन्ग क्या लगाओगे सी रॉन्ग लगाओगे फिर तो ठीक है नेक्स्ट, ओके, अच्छा क्वेश्चन गया, कोई नहीं. तो आपके सामने डायग्राम है तो ये डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको ठीक है अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इतना समझ में आ रहा है ये भाई क्या है इनफीरियर वेना कैबा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से ऊपर लेकर के जा रही है ये क्या है एओटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से नीचे लेकर के आ रहा है क्लियर बिल्कुल तो एओटा भी क्लियर है डॉसल एओटा और ये भी क्लियर है ठीक है

ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया ये डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अब किडनी की डायमेंशन एक बात और ध्यान रखना और किडनी की पोजिशन की बात करता हूं तो किडनी होती कहां है तो मैंने बताया था किडनी की अगर पोजिशन की बात करते हैं तो किडनी लास्ट थोरेसिक लास्ट थोरेसिक और लंबर वर्टिव्रेक लास्ट थॉरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्राट ठीक है लास्ट लास्ट थॉरेसिक एंड थर्ड थर्ड लंबर थर्ड लंबर वर्टिब्रेक के बीच में होती है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रेक के बीच में होती है किडनी क्लियर है बिल्कुल कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए ठीक है वापस आ रहे हैं अब देखो एक एक लाइन यहां क्लियर करते हैं इन ह्यूमन द एक्सिडरी सिस्टम

लगभग टू सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है टू की होती है, टू थ्री सेंटीमीटर टू टू थ्री सेंटीमीटर की थिकनेस होती है एंड एवरेज वेट इसका एक सौ बीस से लेकर के एक सौ सत्तर ग्राम होता है इस पर भी क्वेश्चन बनता है फिर से बोल रहा हूं ले सेंटीमीटर वृद्ध छोटी होगी टू टू थ्री सेंटीमीटर हाँ वेट लगभग लग तो लग एक सौ बीस से एक सौ सत्तर कोई भी पैरा पढ़ रहे हो कोई भी पेज पढ़ रहे हो उस पेज में कोई भी अगर डेटा आता है डेटा जो भूलने वाला है कोई सन आती है ठीक है मतलब इस टाइम पर वो चीज डिस्कवर हुई किसी साइंटिस्ट का नेम आता है कोई मेजरमेंट आता है डेटा जो तुम भूलोगे तो वहां पर एक ठीक है स्टिकी नोट्स बना लो ठीक है पर या जो जगह होती है ना उसमें लिख लो उस डेटा को इस पेज का टिपिकल डेटा यह है हम भूलेंगे जिससे आपको याद रहे ठीक है चलो टूवर्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ इसको हम नॉच को क्या बोलते हैं इसको हाइलम बोलते हैं हाइलम बोलते हैं इसी से

ठीक है विद प्रोजेक्शन आर कॉल्ड कैलेक्स इसके अंदर कैलेक्स होते हैं ये मैं पूरा आपको डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूं किडनी का डायग्राम समझना स्ट्रक्चर ऑफ किडनी उठा करके ऊपर लेकर के आ रहा हूं यहां एकदम क्लियर कर दूंगा किडनी का डायग्राम ठीक है एक मिनट रुको ये आ गया अब आ जाओ ठीक है ये पूरा किडनी का डायग्राम ले लिया है मैंने ठीक है किडनी की एक आउटर लेयर दिख रही है इनर आपको मेडुला दिख रहा है आउटर कॉर्टेक्स दिख रही है कॉर्टेक्स अंदर की तरफ इन्वर्ट हो रही है इसको हम रीनल कॉलम बोलते हैं ध्यान रखना है Clear, बिल्कुल? ये आपको ठीक है अब अंदर वाले पार्ट को डॉटे से रिप्रेजेंट किया है इसको मेडुला बोलते हैं इसमें छोटे छोटे पैरामिड देखने को मिलते हैं इनको रीनल पैरामिड बोलते हैं क्या बोलते हैं रीनल पैरामिड जो 8 टू 12 तक हो सकते हैं किसकी बात चल रही है रीनल पैरामिड की बात चल रही है ठीक है अगर मैं पैरामिड की बात करूं तो इन परेमिट के अंदर होते हैं होते हैं हैं नेफ्रॉन 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 हर एक किडनी में ठीक है और की की बात करते हैं तो ध्यान से देखो तो इन नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉटेक्स में होता है कुछ मेडुला में कॉटेक्स में वुमेन्स कैप्सूल होगा पीसीटी होगी डीसीटी होगी जबकि मेडुला के अंदर लूप ऑफ एनली और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में होता है ये सारे नेफ्रोन ने एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं हम ठीक है स्पेशली डक्ट ऑफ बिलिनी जो इस, इसकी ओपनिंग से एंटर करती है छोटी छोटी डक्ट में ठीक है इस पैरामिड की ओपनिंग को बोलते हैं रीनल पैपिले जिससे डक्ट ऑफ बिलिनी पास होती है और स्मॉल कैलेक्स में खुलती है माइनर कैलेक्स में ये भी आठ से बारह होते हैं और तीन से चार कैलेक्स आपस में मिलकर के एक बड़ा सा डक्ट बनाते हैं इसको मेजर कैलेक्स बोलते हैं और सारे मेजर कैलेक्स एक कॉमन एरिया में खुलते हैं इसको पेल्विस बोलते हैं और पेल्विस यूरिटर और यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर और ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है अगर यूरिन के फ्लो की बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक से होता हुआ डक्ट ऑफ बेलिनी माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स पेल्विस यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथरा इट इज अ पैसेज पाथ ऑफ

तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एकदम क्लियर है इससे बाहर कुछ जाना नहीं है वापस एनसीआर पर आ रहा हूं यहां तक कवर हो गया हमारा तक, ठीक है? के बाद मैं आगे बढ़ रहा टफ कैप्सूल रखना फाइब्रस होगा ठीक है इन साइड द किडनी होती है हमेशा और इनर क्या होता है मैड्यूला हमेशा इनर वाला पार्ट क्या होगा मैडूला द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू फ्यू मास ठीक है समझना आप इसको मेडुलरी पैरामिड बोलते हैं इसलिए क्या बोलते हैं मेडुलरी पैरामिड ठीक है पैरामिड शेप होते हैं प्रोजेक्टिंग इन टू द कैलेक्स ठीक है जो कहां पर प्रोजेक्ट है कैलेक्स वाले पार्ट में प्रोजेक्टेड है ठीक है द कॉटेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पैरामिड ठीक है

ठीक है ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट पार्ट दो होते हैं नेफ्रॉन के ठीक है एक तो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होगा रीनल टिब्यूल इट इज अ इजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन समझना एक ग्लोमेरुलस होगा ठीक है जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के मिलने से बनता है अगर मैं ग्लोमेरुलस glomer, की बात करूं इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल जिसका डायमीटर कम होता है

जो नेटवर्क दिख रहा है ना इसको क्या बोलोगे ट्रिब्यूल के अराउंड है ट्रिब्यूल के अराउंड है तो कॉमन नेम होता है पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। कॉमन नेम क्या, इसका? क्या इसका? Peritibular capillary. Peritibular capillary. Peri, है इसका पेरी टिब्यूलर कैपिलरी पेरी टिब्यूलर कैपिलरी इट इज अ पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। पेरी जो ट्रिब्यूल की पेरीफ्री पर है

और रीनल टिब्यूल्स हो गए और टिब्यूल के अंदर वुमेन्स कैप्सूल आता है पीसीटी डीसीटी मतलब पूरा टिब्यूलर वाला पार्ट आ गया ठीक है ग्लोमरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी ये कैपिलरी का एक गुच्छा है कैपिलरी का गुच्छा है जो एफरेंट आर्टेरियोल ठीक है और इफरेंट आर्टेरियोल के मिलने से बनता है इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ब्लड फ्रॉम द ग्लोमरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल समझ रहे हो

ये डबल बोल्ड है एक आउटर वॉल दिख रही है एक इनर वॉल दिख रही है आउटर वॉल बाहर है पराइटल इनर विसरल विसरा का मतलब है जो ग्लोमेरुलस के टच में है वो है इनर ठीक है लिख दिया है मैंने आउटर वॉल इनर वॉल पराइटल बाहर की साइड में है, इनर जो कैपिलरी से अटैच्ड है विसरा से अटैच्ड है विस्राल विस्राल लेयर,

एंडोथिलियम होगी ठीक है और यहां पर इनर पोरोसाइट सेल्स होंगे और दोनों ही एपिथिलियम है और एपिथिलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछेगा आप थ्री लगाओगे एपिथिलियम ऑफ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथिलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई अब वापस मैं एनसीआरटी पर आ रहा हूं ठीक है तो चल रहा था हमारा ठीक है तो वुमेन्स कैप्सूल की बात क्लियर हो गई विच इनक्लोज अ ग्लो ग्लोमेरुलस की बात करते हैं ठीक है अलोंग विद वुमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला दिया जाए ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल को मिला दिया जाए तो कॉमनली इसको क्या बोलते हैं इस पर क्वेश्चन आता है ठीक है कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं माल्पगिन ठीक है माल माल बिगिन बॉडी हो रीनलोम एलोंग विद वुमेन्स कैप्सूल मिलाकर के इसको रीनल कॉर्पसल्स बोल सकते हो जो नीट में पूछा जा सकता है और इस पर क्वेश्चन नहीं आया अब जब भी क्वेश्चन आया है माल बिगिन बॉडी पर आया है ठीक है रिनल कॉर्पसल्स पर क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा सा अलर्ट रहना समझना इस लाइन को ठीक है टिब्यूलर टिब्यूज की बात करते हैं ठीक है कंटिन्यू फर्दर फॉर्म स्ट्रक्चर ट्यूब प्रॉक्सिमलवोले का मतलब है 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 समीपस्थ जो कैप्सूल के पास है, है, तो ट्यूब जो वुमेंस कैप्सूल के दूर है हाईली कॉल्ड है डिस्टिल कॉन्वलेटेड ट्यूब क्लियर है बिल्कुल चलो भाई एकदम क्लियर है यहां तक स्ट्रक्चर तो पूरा क्लियर होना चाहिए एकदम क्लियर ठीक है स्ट्रक्चर में मैंने एपथिलियम लिख दिए सीधा क्वेश्चन एपीथिलियम से आता है कैप्सूल में में किस टाइप के टिश्यू होंगे सिंपल स्क्वैमस पीसीटी हाईली समझ रहे हो ना ब्रश बोर्डर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए ब्रश बॉर्डर सिंपल टिश्यू ठीक है लूप ऑफ एनले में जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है थिन पार्ट आ रहा है डिसेंडिंग सिंपल स्क्वैमस फिर सिंपल क्यूबेडल सिंपल क्यूबेडल सिंपल भाई मेली सिंपल क्यूबेडल ही होता है

अब मैं बात कर रहा हूं नेफ्रोन भी हमारी किडनी में दो प्रकार के हो सकते हैं एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रोन जो मैक्सिमम है 85% तक कॉर्टिकल नेफ्रोन होते हैं एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन जिनका मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन बहुत कम होते हैं 15% जो इमरजेंसी में काम करते हैं जब कोई रिक्वायरमेंट होती है वाटर कंजर्वेशन पर काम करना होता है

ग्लोमेरुलस के मेनली एफरेंट आर्टेरियोल के सेल जिसको जेजी सेल बोलते हैं और डीसीटी के मैक्यूला सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है भाई डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब और एफरेंट आर्टेरियोल के सेल जिसको हम जेजी सेल बोलते हैं इसके मिलने से जो कॉम्बिनेशन बनता है कनेक्शन होता है जो इमरजेंसी में काम करता है इसी को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस समझ में आ गया तो ये कॉटेक्स वाला पार्ट है ये मेडुला वाला पार्ट है तो मैंने बता दिया मैक्सिमम पार्ट कहाँ होता है कितने प्रकार के हो सकते हैं है? ये वाली बात क्लियर तो किडनी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सीधा मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं अब डायमेंशन पर क्वेश्चन आता है समझ रहे हो ना अगर मैं लेंथ बात करता हूँ टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर दे रखी है दोनों के अंदर ठीक है वृत्त अगर वृत्त की बात करता हूं तो देखो ठीक दे है थिकनेस टू टू थ्री सेंटीमीटर दे रखी है वेट 120 से 170 ग्राम दे रखा है पहला ही मिल गया हमें ठीक है ठीक है पहला ही मिल गया टेन टू ट्वेल्व फाइव टू सेवन टू टू थ्री वन ट्वेंटी टू वन सेवन अच्छा मिलीग्राम कर दिया है ठीक है तो गलत हो गया यही ऑप्शन आएगा यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट आ जाओ स्टेटमेंट फर्स्ट देखो इन साइड द किडनी देर आर टू जोन कॉटेक्स एंड मेडुला हैविंग सेम ऑस्मोलरिटी क्या पॉसिबल है कॉटेक्स और मेडुला की ऑस्मोलरिटी सेम रहे ऐसा क्या पॉसिबल है नहीं है ऐसा पॉसिबल ठीक है दोनों की ऑस्मोलरिटी में बहुत अंतर होता है की 300 मिली मिली होती है 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 जबकि के अंदर देखने को मिलता है। 400 से लेके 1200 ठीक स्टेटमेंट सेवन देखो एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलिड एज द रीनल कॉलम कॉल्ड माइनर कैलेक्स उसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं ठीक है विच कंबाइन टू फॉर्म मेजर कैलेक्स ये तो ठीक है पर इसको ऑफ डी नहीं बोलते माइनर कैलेक्स नहीं बोलते दोनों ही गलत हो गए ठीक है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आप समझ रहे माइनर कैलेक्स नहीं बोलते ठीक है माइनर कैलेक्स अलग होता है ठीक है तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है लाइन के अंदर समझ लेना एनसीआरटी की लाइन ठीक है डी ऑप्शन लगाओगे नेक्स्ट आ जाओ ओके किडनी के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आएगा ए पार्ट देखो ए पार्ट क्या है यूरिटर ए क्या है यूरिटर समझ में आ रहा होगा बी क्या है इनफीरियर ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ई क्या क्या है है और ये है? आप बोलोगे लास्ट में क्या दे रखा है डी वाला पार्ट डी वाला पार्ट दे रखा है इन्होंने जहां तक यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये यूरिथरा होनी चाहिए ठीक है अब देखो ए यूरिटर दे रखा है कहीं ए यूरिटर फॉलोइंग फिगर ठीक है ए यूरिटर यूरिटर दे रखा है ठीक है बी देखो बी 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 इन्फीरियर वेना के बाद दे रखी है ठीक है इन्फीरियर वेना के बाद दे रखी है चलो बी बी क्लियर हो गया अब आ जाओ ए बी सी कहीं दे रखा है सी 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 क्या है डॉर्सल एओर्टा दे रखा है डॉर्सल एओर्टा अभी फिर ए बी सी डी कहीं दे रखा है डी यूरेथ्रा दे रखी है यूरेथरा अब आ जाओ पैलविस e, 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 e,

बी क्या है कॉटैक्स कॉटैक्स दोनों ने दे रखी है ठीक है ए बी सी क्या है रिनल बर्टिनी दे रखा है डी क्या है यूरीटर यूरेथ्रा दे रखा है तो बी ऑप्शन आ जाएगा क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट अच्छा ये यहाँ पड़ा हुआ है कोई नहीं इसको उठा करके नीचे लेके चलते हैं यहां डाल देते हैं अभी है ना चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ विच इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन भाई यूरिन का सही पैसेज क्या है जरा बताओ ठीक है एकदम समझना कैलेक्स कैलेक्स से यूरिटर ब्लैडर यूरेथ्रा वैसे तो यूरिटर सही है यही ठीक है रीनल वेन वेन से कहा आ गई कैलेक्स यूरेथ्रा गलत हो गया पेल्विस पैल्विस से मेडुला गलत हो गया रीनल पैलविस यूरिटर पैल्विस यूरिटर ब्लैडर यूरी, यूरिटर ठीक है यूरेथ्रा ठीक है रीनल वेन अच्छा रीनल वेन कैलेक्स कैलेक्स मेजर कैलेक्स फिर यूरिटर आ गया अच्छा स्पेलिंग गलत कर दिया यूरिटर की ठीक है

ठीक है कैरी यूरिन टू पैलविस ठीक है ऑल्सो एक्ट इन वॉटर एब्जॉर्न ठीक है जहां तक है इसमें होना चाहिए कलेक्टिंग डॉक्ट ठीक है कलेक्टिंग डक लगा देते हैं ठीक है पैलवेस ठीक है कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल वुमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट को कलेक्ट कौन करती है पीसीटी पीसीटी करती है लूप ऑफ है Ascending and descending part में डिडेड है सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट पहला ही मिल गया हमें फर्स्ट जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं आपसे ल्यूटली राइट बेटा ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात यस या नो यहां तक कोई डाउट शाउट यहां तक बता, कोई डाउट शॉट बेटा मुझे कमेंट चाहिए आपके मतलब मुझे चाहिए यार तुम मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है आपके संग डटे रहेंगे लगे रहेंगे पर आपका बेनिफिट होना चाहिए आप इस बार नीट फोड़ना है यार समझो मेरी बात ठीक है अच्छा ये कैसे आएगा चलो एकदम क्लियर है ठीक है चलो ठीक है यहाँ तक लेके चल रहे हैं नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जक्स्टा मेडुलरी नेफरॉन करेक्ट क्या होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफरॉन की बात चल रही है ठीक है वासा रेक्टा इज प्रोमिनेंट वासा रेक्टा प्रोमिनेंट ठीक है लूप ऑफ एनल इज लॉन्ग ठीक है एनएससीएल इज रिटर्न टू द इंटरस इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ठीक है अब देखो समझना वासा रेक्टा कहा होता है ठीक है ये तो हो गया लूप ऑफ लूपले का डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट क्या होता है अगर यहां फ्लो नीचे होगा यहाँ ऊपर होगा तो यहां फ्लो नीचे होगा तो यहां क्या होगा काउंटर में ऊपर होगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ठीक है तो इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग

एंड रीनल ट्यूब्स दोनों ही सही हैं भाई, है भाई एनसीईआरटी की लाइन है ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है नेक्स्ट आ जाओ इन ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट जो ब्लड को ला रहा है ईफ्रेंट जो ब्लड को लेके जा रहा है एफरेंट ईफ्रेंट ठीक है आ जाओ इट इज अ वाइडर देन द ईफ्रेंट ठीक है ठीक है एंथ ईफ्रेंट आर्टेरियोल हैज सिमिलर डायमीटर गलत हो गया नैरोर द नहीं ठीक है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ठीक है तो एक ही ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट आ जाओ फटाफट तेजी से ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडरलाइन कर लो पूछा 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 क्या है पूछा है या पूछा है करेक्ट या ध्यान रखना पड़ेगा आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है इनकरेक्ट पूछा है ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग ग्लोमरल इज कॉल्ड समझना इनकरेक्ट पूछा है ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग ग्लोमरलस इज कॉल्ड इफरेंट एफरेंट और इफ्रेंट दोनों के मिलने से बनता है ठीक है क्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ग्लोमेरोल ऑल हैव ब्लड वासा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इन ग्लोमरस है ठीक है वासा रेक्टा रन पैरल टू देंडले लूप इन जक्सटा मेडोलिक नेफ्रॉन ठीक है तो यही गलत हो गया भैया ब्लड वेसल फॉर्मिंग ग्लोमेरोलस ठीक है इस कॉल इसको बोलते नहीं भाई एफरेंट और इफरेंट के मिलने से ग्लोमेरुलस बनता है ठीक है तो इनकरेक्ट पूछा है तो आप क्या लगाओगे ए लगाओगे नेक्स्ट आ जाओ स्टेटमेंट फर्स्ट देखो आ पिन स्ट्रक्चर हैनले लूप इज अ पार्ट ऑफ टिब्यूलर ट्यूब्यूल्स व्हिच हैज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स यस डिसेंडिंग लिम्स होता है फिर असेंडिंग लिम्स होता है एब्सोल्युटली राइट ठीक है द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डी बिल्कुल सही कलेक्टिंग दीडी दोनों ही स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट ओके बिल्कुल की लाइन उठा रहा हूं नेक्स्ट आ जाओ अच्छा अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन अब यहां से थोड़ा कंसेप्ट स्टार्ट होता है ठीक है यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होता है अब समझना होगा आपको अच्छी तरीके से ठीक है समझ रहे हो बेटा बस ये क्लियर है यार इस चैप्टर से अगर तीन क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आज आपकी एनसीआरटी की लाइन टू लाइन मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा जो क्वेश्चन थोड़े से बनते हैं वो मैं टाइप्स बता ही रहा हूं एनसीआर टी के लाइन से भी क्वेश्चन उठा रहा हूं तो ये समझ लेना इसमें कुछ लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बहुत बनता है हाईली कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा समझना मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करता हूं और यूरिन फॉर्मेशन के तीन मेथड होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला मेथड है दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अलग-अलग पार्ट से चीजें एब्जॉर्ब होना ठीक है जो भी काम की चीजें हैं और अगर कोई ब्लड में टॉक्सिक या नाइट्रोजनस बेस्ड रह जाता है उसको ब्लड कैपिलरी से वापस टिब्यूल में सीक्रेट करना सिक्रीशन इन तीन मेथड के बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है उसको हम यूरिन बोलते हैं ठीक है तो तीन मेथड जो फाइनल यूरिन को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं ठीक है तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस हैं ठीक है भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस दूसरा क्या है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा क्या है है सीक्रेशन ठीक दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो nephron के अलग अलग पार्ट में होते हैं तो एक एक करके बता रहा हूं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए आपको दो तीन बातें ध्यान रखने पड़ेंगी ठीक है ठीक है सरकिल प्रेशर का है ठीक है तो उसमें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है समझना मेरी बात एफरेंट और ईफ्रेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में अंतर होने से ठीक है जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बन रहा है समझ रहे हो वो फिल्ट्रेशन कराने का काम करेगा सबसे मैक्सिमम यही होता है एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो अपोज करता है ठीक है और एक ब्लड कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये भी अपोज करता है यानी दो नेगेटिव प्रेशर है एक पॉजिटिव प्रेशर है तीनों का जो डिफरेंस निकल के आता है इसी को नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं ठीक है थेके? जो फाइनल फिल्ट्रेट बनाता है ठीक है द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ठीक है ठीक है इस कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज समझना मेरी बात अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं एक एक क्लियर करूंगा एक एक डाउट आज ठीक है ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं ये एफरेंट आर्टरियोल है ठीक है ये एफरेंट आर्टेरियोल है ये ईफ्रेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है इसका डायमीटर कम होता है समझना इसका डायमीटर कम होता है ये ऐसे ऐसे ठीक है समझ जाओगे ठीक है ये हम कहना चाह रहे हैं बेटा यहाँ से कितना ब्लड पास होता है ठीक है अगर मैं एफरेंट आर्ट्रियोल से बात करूं कितना ब्लड पास आउट होता है तो एनसीआर बोलती है इलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ब्लड यहां से पास आउट होता है अच्छा प्लाज्मा पूछूं, प्लाज्मा कितना पास आउट होता है भाई प्लाज्मा ब्लड का ठीक है लगभग फिफ्टी फाइव परसेंट होता है तो इसका फिफ्टी फाइव परसेंट कितना होगा लगभग सिक्स फाइव जीरो एम एल प्लाज्मा इतना प्लाज्मा यहां से पास आउट होता है ठीक है समझ में आ गया वापस आ रहा हूं मैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं लगभग लगभग 1100 से 1200 हंड्रेड एम ऑफ ब्लड फिल्टर बाय किडनी पर मिनट ये एक मिनट में इतना ब्लड किडनी से फिल्टर हो जाता है विच कॉन्स्टिट्यूट ये समझना बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूं रफली वन फिफ ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ठीक है जो क्या है लगभग जो ईच वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप हो रहा है ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है, ये आप जानते हो, से कितना होता है? याद हो आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम याद आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम ये स्ट्रोक वॉल्यूम है जो बाहर निकल रहा है कितना होता है लगभग सेवनटी एम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप ईच वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल इसको बोलते हैं स्ट्रॉक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml. 70 ml ये यहां से पंप होता है आप समझना है मेरी बात सेवेंटी एम एल यहां से पंप होता है यहां क्या करें कि इतना ब्लड फिल्ट ठीक है ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट जो बनाता है रफली वन फिफ्थ ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है तो एक मिनट में लगभग पांच लीटर के आसपास ब्लड पंप हो जाता है समझ रहे हो? उसका यानी उसका ट्वेंटी परसेंट, उसका कितना परसेंट? वन 20 बात तो एक ही है आप समझ रहे हो उसका लगभग ट्वेंटी परसेंट क्या होता है किडनी से सिंगल उसमें फिल्टर होता है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ब्लड जो होता है वो किडनी से एक मिनट में फ्लो करता है और कार्डियक आउटपुट समझते हो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालोगे स्ट्रोक स्ट्र, वॉल्यूम कैसे निकालोगे स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में सेवेंटी होता है ठीक है तो एक मिनट में कितने बार निकलता है एक मिनट में तो लगभग एक मिनट में ठीक है एक मिनट में जो निकलेगा भाई लगभग 72 टू टाइम पंप करेगा तो सेवेंटी टू इंटू सेवेंटी कर दो जो वॉल्यूम आएगा उसका वन फिफ्थ क्या होगा वन क्या होगा ठीक है यही ग्यारह सौ से बारह ml बैठेगा ठीक है हार्ट इन अ मिनट द ग्लोमरुलर कैपिलरी ब्लड ठीक है प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर भाई तीन लेयर से फिल्ट्रेशन होता है बधाई चुका हूं मैं ठीक है

इंटरेंसिक मैनर अंदर की साइड में पोरोसाइड होते हैं ठीक है और माइन्यूट स्पेस बनाते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन सिल्ट बोलते हैं या सिल्ट पोर बोलते हैं ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट सब कुछ होगा फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा का सब कुछ होगा फिल्ट्रेट के अंदर एक्सेप्ट प्रोटीन जो फिल्ट्रेट में नहीं होंगे समझ रहे हो

ये लाइन ध्यान रखना कि लगभग ग्यारह सो सौ बारह सो एम एल ब्लड पर मिनट ठीक है पर मिनट ठीक है एम एल ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी पर मिनट जो कार्ड जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो ईच वेंट्रिकल से निकल रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक मिनट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकलता है ना उसका वन फिफ्थ पार्ट है क्लियर है बिल्कुल एक मिनट में जो बाहर निकल रहा है इसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं ठीक है टोटल वॉल्यूम जो निकल रहा है इसको का आउटपुट बोलते हैं एक मिनट के अंदर जो निकल रहा है ठीक है तो आउटपुट कार्डिकल टू वॉल्यूम ठीक है हार्ट बीट रेट तो लगभग पांच लीटर के आसपास होता है पांच लीटर का वन पार्ट क्या हो गया क्लियर है ना बिल्कुल ये लाइन समझनी अच्छी तरीके से चलो भाई ये भी क्लियर हो गई आपको ठीक है तो कार्डिक आउटपुट कितना हो गया कार्डिक आउटपुट यहाँ कितना हो गया कार्डिक आउटपुट इजल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू इन टू हर्ट बीट रेट

तो एक बार समझ में आ गई यहां तक कोई डाउट अब यहां बताना चाह रहे हैं द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी मिनट इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रेट आ गया समय यानी एक मिनट में जो अमाउंट नीचे पहुंच रहा है अभी तो कितना अमाउंट पास हो रहा है कितना अमाउंट पास हो रहा है 1100 सो सो बारह ठीक है कितना अमाउंट फिल्ट्रेट में पहुंच रहा है समझ ना? दो अलग अलग बातें तो वो क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है जी एफ आर इज 125 पच्चीस पर मिनट या लीटर पर डे समझ में आ गया ना समझ में आ गया यानी ये कहना चाह रहे हैं यहां से जो फिल्ट्रेट बन रहा है लगभग एक सौ पच्चीस एम एल पर मिनट पर मिनट ये क्या है ये है जी एफ आर फिल्ट्रेशन रेट जो फिल्ट्रेट में आ रहा है पर मिनट समझना पर मिनट ये क्या है जी एफ आर रेट एक मिनट में 125 ml, है? तो सौ दिन में कितना आएगा लगभग 180 लीटर पर डे लीटर पर डे ये ध्यान रखना है द किडनी है बुल्ट इन फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोम फिल्ट्रेशन रेट ठीक है आप समझना एनसीआर की लाइन है डायरेक्टली पूछी जाती है किडनी है मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर को रेगुलेट करती है किडनी ध्यान रखना ठीक है किडनी में जरा भी गड़बड़ होगा तो जीएफआर बिगड़ जाएगा समझ रहे हो ना ऑन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा किससे कैरिड आउट हो रही है जक्स्टा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है बताया था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस

ठीक है कैन द ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा ठीक है जिसकी वजह से जी एफ आर अगेन नॉर्मल हो जाएगा ये पूरा मैकेनिज्म है रास इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं सिस्टम रास ठीक है तो रास अभी आगे बताता हूं उसके अंदर समझना होगा या मैं बताई देता हूं थोड़ा सा देख लो मैंने ऑलरेडी इसका बना के रखा है स्लाइड ठीक है कैसे एक्टिवेट होता है रास रैन इन एनजोटेंसन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम समझना अगर मैं रास की बात करता हूं तो मैंने बताया था कि अगर रेगुलेशन ऑफ जेजी सेल बाय किडनी रास बोलते हैं किसी का जीएफआर कम हो जाए ब्लड आयोनिक आयोनिकेशन कम हो जाए ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाए तुरंत ये जेजी सेल एक्टिवेट होते हैं रेनिन रिलीज करते हैं रेनिन क्या काम करता है रेनिन लिवर में निकलने वाली एक प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है ओजन इनएक्टिव प्रोटीन है ठीक है इसको पार्शली एक्टिव करता है ये भी inactive ही एक लंग से निकलने वाला एक हार्मोन ठीक है एस एन इन एनजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम ये एक्टिव फॉर्म है एनजियोटेंसिन सेकंड और एनजियोटेंसन सेकंड एक्टिव होकर के पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तुरंत जीएफआर को बढ़ाएगी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी

और डीसी डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यू जिसके सेल्स को मैक्यूलर सेल बोलते हैं इनके बीच का कॉम्बिनेशन है ठीक है जो रास को मेंटेन करने के लिए होता है समझे या नहीं समझे समझे वापस आ रहा हूं वापस आ रहा हूं ठीक है चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां तक चलो अब सीधा मैं आ रहा हूं रेगुलेशन अभी बचा हुआ है काउंटर करेंट बचा हुआ है अभी ठीक है ठीक है अब हमारा आ जाएगा यहां तक हो गया हमारा अच्छा ये भी नहीं ये तो आगे आएगा इसको आगे पहुंचा देता हूँ मैं जरा ठीक है इसको यहाँ के बाद ले लेंगे ठीक है चलो ये हमारा कंप्लीट है कंप्लीट है कंप्लीट है कंप्लीट है सारे क्वेश्चंस यूरिन फॉर्मेशन हमारा चल रहा था रास वाला पार्ट ठीक है अब बताओ यहां तक कोई डाउट यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझाया मैंने आपको अभी ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में आ रहा हूं री एबजॉपन री एबजॉपन ठीक है अभी को लेकर चल रही हैं। फिल्ट्रेशन में मैंने और भी चीजें कराई हैं ठीक है थीके? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलवाना सिखाया है मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिखाया है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ठीक है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस दो को घटा दो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद आ गया होगा ये फॉर्मूला मैंने डिटेल में करा दिया था तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में से ये पॉजिटिव प्रेशर है ये दो नेगेटिव प्रेशर है इसको घटा दो नेट निकल के आएगा ठीक है ठीक है लगभग टेन ठीक है टेन लगभग टेन एम एम एच जी के आसपास निकल के आएगा वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा ठीक है

तो कहां कहां से क्या क्या एबजॉर्न होता है उसकी बात चल रही है ठीक तो है तो कंपेरिजन द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे लीटर था ठीक ठीक है 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 ऑफ यूरिन यूरिन रिलीज रिलीज जो होती लगभग डेढ़ लीटर पर डे के आसपास होती है भाई ऐसा नहीं है कि 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट बन रहा है वो 180 लीटर बाहर निकल जाएगा भाई फिल्ट्रेट कितना बन रहा है 180 लीटर क्या 180 के लीटर का, का सरा बाहर निकल जाएगा मेरी बात समझना हम कहना चाह रहे हैं यहां पर यह कहना चाह रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल इफरेंट आर्टेरियोल ठीक है एफरेंट और इफरेंट के बीच में यह, यह वोमेन्स कैप्सूल यानी यह कहना चाह रहे हैं यहां से एक दिन के अंदर जो फिल्ट्रेट बन रहा है फिल्ट्रेट एक या तो ऐसे बोल सकते हो 125 सौ पर मिनट या ऐसे भी बोल सकते हो 180 लीटर पर डे क्या इतना फिल्ट्रेट जो बन रहा है बाहर निकल जाएगा ना इस फिल्ट्रेट का समझना इस फिल्ट्रेट का 99 परसेंट फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा एब्जॉर 99 परसेंट क्या हो जाएगा एब्जॉर ओनली वन परसेंट ओनली वन परसेंट कन्वर्ट इनटू यूरिन कन्वर्ट इनटू यूरिन

तो ये सब पीसीटी से होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है इन द फिल्ट्रेट आर री एक्टिवली वेयर एज द नाइट्रोजनस बेस्ड आर बाय पैसिवली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है ठीक है ये सब रि होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ग्लूकोज अमाइनो एसिड

इन्होंने ये नहीं बताया कि PCT, ये मैं बता देता ठीक है PCT में maximum होता है में होता और PCT से होते हैं समझना है मेरी बात ठीक है और जितने भी पॉजिटिव आइन्स होते हैं वो एक्टिवली री होते हैं पीसीटी से निगेटिव आइन पैसिवली रीअब्सर्व होते हैं पीसीटी से

कलेक्टिंग से दो बात है क्लियर है बिल्कुल चलो सारे क्लियर करा दिया मैंने ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ ड्यूरिंग अब सीक्रेशन की बात करते हैं सीक्रेशन की बात करते हैं पीसीटी में क्या क्या चीजें सीक्रेट होती हैं पीसीटी में ठीक है अगर मैं कहूं कि पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाए ब्लड में तो पीसीटी में फेंक दिए है जाते हैं सोडियम आयन ही फेंके जाते हैं ठीक है पोटेशियम आयन फेंक दिए है जाते हैं अगर अमोनिया ज्यादा है पीसीटी में फेंक दी जाएगी निकाल दी जाएगी बाहर ठीक है अमोनियम आइन समझ रहे इसके हम बात करते हैं, जो भी हो इसके cool? हाँ। तो क्या -क्या -क्या हाँ, खतरनाक होते हैं पोटेशियम आइन खतरनाक होती है अमोनिया खतरनाक होती है इसको फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है पीसीटी में भी डाला जाता है डीसीटी में भी डाला जाता है और कुछ अमाउंट में ये कलेक्टिंग भी फेंके जाते हैं पर लूप ऑफ का जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं फेंका जाता असेंडिंग वाले पार्ट में कुछ अमाउंट में यूरिया को ट्रांसफर किया जाता है ठीक है ट्यूबलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इज हेल्प इन किसमें हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक आयोनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि एच आइन का सिक्रेशन बाई कार्बोनेट आइन का एबजॉर्न क्या काम कर रहा है ये ये पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहा है ठीक है ठीक है पोटेशियम आइन का एब्जॉर्प्शन पोटेशियम सॉरी पोटेशियम आइन का सिक्रेशन सोडियम आइन का एबजॉर्प्शन आयोनिक बैलेंस में हेल्प कर रहा है समझ रहे हो ना तो ये दोनों में हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ठीक है आप फोकस करना एकदम फॉर्मेशन इवॉल्व कौन सी मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है तीन मैकेनिज्म मैकेजमती हैं ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दो ही दे रखे ऑफर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअन इन सेम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन गलत सेल्ट्राफिल्टन रीअजॉर्न सीक्रेशन अकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफर अल्ट्राफिलेशन रीअन सीक्रेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन री एबजॉप्रेशन अकर इन सेम पार्ट ऑफ नेफर अल्ट्राफिल्टन रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन ठीक है देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा होता है वो वुमेन्स कैप्सूल के, के अंदर होता है रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं पीसीटी डी एस सी टी सबके अंदर रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉप सीक्रेशन इन द सेम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सेम पार्ट तो ही लगाओगे ठीक है क्योंकि अगर मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करता हूं तो अल्ट्रा अल्ट्राफिलेशन वुमेंस कैप्सूल पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है ठीक है एब्जॉर्न यहाँ नहीं हो रहा तो ये आप ये लगाओगे ठीक है डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सी लगा दो C लगाओ सी लगाओगे उसी केस में ठीक है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व तीनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है मेकेशन री एंड सीक्रेशन अगर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ठीक है एनसीआरटी की लाइन भी है एक बार देख लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस मेनली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन री सीक्रेशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट देखा एनसीईआरटी की लाइन उठा ली

एब्जॉर्न ऑफ वॉर अकरेक्ट पूछा वॉटर अकर पैसिवलीगमेंट ऑफ नेफ्रॉन पैसिवली होता है वॉटर का एबजॉर्शन नाइट्रोजनस बेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस बेस्ट का मतलब है यूरिया की बात चल रही है पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है

करेक्ट पूछा है ठीक है करेक्ट ठीक है रिनल वेन टेक टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी अवे फ्रॉम किडनी क्या वेन किडनी से रिनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी ठीक है अवे फ्रॉम किडनी लगाओगे वेन तो वहीं से लेके जा रही है ना बाहर ठीक है लूप ऑफ एनलेट टूवर्स किडनी तो हो ही नहीं सकता लूप ऑफ एनले कंसनट्रेट यूरिन क्या लूप ऑफ एनले का यूरिन कंसंट्रेशन में रोल है यस काउंटर करेंट में तो रोल ही है पोडोसाइट्स आकर इन इनर वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इनर वॉल ऑफ कैप्सूल यस इनर वॉल में होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन प्लाज्मा में चीजें एनसीईआरटी की तो 1 2 3 4 डी लगाओगे भाई ठीक है इस तरीके से एनसीआरटी की लाइंस पर कमांड करनी है आपको ठीक है चलो फिल्ट्रेट मूव टुवर्ड्स मेडुला फ्रॉम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला फ्रॉम कॉटेक्स ठीक है बिकम मोर कंसनट्रेटेड बिकॉज ऑस्मोलरिटी ऑफ इज हायर मेडोलाटैक्सरेट कॉटेक्स से मेडोला की तरफ मूव कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि नीचे की ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है इसलिए फिल्ट्रेट कॉटेक्स से मेडोला की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ऑस्मोलरिटी ज्यादा है सही है ए लगाओगे ऑस्मोलरिटी ऑफ इज हायर देन कॉटेक्स ठीक है इसी, इसी वजह से मूवमेंट हो रहा है तो ए लगाओगे आप ठीक है फिल्ट्रेट मूव टूवर्ड्स मेडुला फ्रॉम कॉटेक्स बिकम मोर कंसन ठीक है ठीक है बिकॉज ठीक है दे कैन नॉट पास फ्रॉम फिल्टरेशन सिल्ट क्योंकि फिल्ट्रेशन सिल्ट का जो साइज होगा उससे बड़े मॉलिक्यूल तो नीचा ही नहीं पाएंगे ठीक है? है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये लगाओ उसका नेक्स्ट आ जाओ

तो बाद बाकी क्या हो रहा है जगह जगह से रीएब्सोर्व हो रहा है रीजन बिल्कुल सही है Absolutely right. समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ रहा हूं मैं. अब है करूं एक लाइन में पीसीटी का फंक्शन पीसीटी का फंक्शन मैक्सिमम रीएबजॉप्शन मैक्सिमम रीएबजॉप्शन लगभग 70 टू 80 परसेंट वोटर यहां से रीअब्सॉर्व होता है पीसीटी से ठीक है समझ रहे ना मेरी बात ठीक है साथ में यहां से आइंसर्व होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइन्स। नेगेटिव आइन्स की बात करते हैं, आइन यहीं से होते हैं। की बात करते हैं सोडियम आइन कैल्शियम आइन पोटेशियम आइन यहां से रीअब्जो होते हैं जरूरत पड़ने पर पोटेशियम आइन भी ठीक है समझना यानी आइंस का रिओब्जॉर्बन भी हो रहा है समझ रहे हो ना और यहां पर सिक्रेशन भी होता है पीसीटी के अंदर ठीक है भाई

ज द सर्फेस एरिया किसके लिए इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम रीअब्सॉर्बेशन मैक्सिमम कितना रीअब्सॉर्ब होता है ऑफ द बॉडी फ्लूड बाई सेलेक्टिव सिक्रेशन अगर पीसीटी की बात की जाए तो पीसीटी में सेलेक्टिव सिक्रेशन किस किसका सिक्रेशन हो रहा है ठीक है सेलेक्टेड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन को हम सिक्रेट कर रहे हैं एंड अमोनिया अमोनिया एन थ्री को हम सीक्रेट कर रहे हैं आप समझ रहे ना मेरी बात इनटू फिल्ट्रेट एंड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन ठीक है इनको सीक्रेट कर रहे हैं ठीक है इनका सीक्रेशन हो रहा है पोटेशियम आयन का सिक्रेशन भी हो रहा है एब्जॉर्बन किसका हो रहा है एब्जॉर्बन एच एब्जॉर्पन एच सीओ थ्री आइन का हो रहा है और सोडियम आयन का एब्जॉर्न हो रहा है आयन का एब्जॉर्न हो रहा है आप समझ रहे हो इनका सीक्रेशन इसका क्या कर रहा, है? को कर रहा है इसका सीक्रेशन इसका एब्जॉर्न क्या कर रहा है आयोनिक आयोनिक बैलेंस आयोनिक बैलेंस का, का काम कर रहा है यानी टिब्यूज के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट चीज का सीक्रेशन

और असेंडिंग वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से Na NaCl का अब्सॉर्प्शन होता है पर स्मॉल अमाउंट में यूरिया का सीक्रेशन होता है यूरिया का सीक्रेशन होता है NaCl का अब्सॉर्प्शन होता है यहाँ से सिर्फ अब्सॉर्प्शन होता है सीक्रेशन किसी का नहीं होता यानी एक लोटा पार्ट है जो आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट नहीं करता समझ में आ गया ठीक है इसका मेन रोल क्या है यूरिन को कंसंट्रेट करना समझ रहे हो जो मैं काउंटर करेंट मैके असेंडिंग लिम्स ठीक है सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इसका मेन रोल क्या है आयोनिक बैलेंस में नहीं है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में कहा पर इंडस्ट्रियल फ्लूड में किस मैकेनिज्म के थ्रू किस मैकेनिज्म के थ्रू काउंटर करेंट मैकेनिज्म उसमें यही तो पार्टिसिपेट करता है किसके साथ वासा रेक्टा के साथ दिस डिसेंडिंग लिम्स ऑफ ऑफ लूप दीज परमेबल टू वाटर डिसेंडिंग इसके इसके लिए लिए परमेबल परमेबल है है डिसेंडिंग वाटर के लिए ठीक है बट ऑलमोस्ट इंपरमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपरमेबल होता है दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज द मूव डाउन जैसे नीचे आएगा कंसंट्रेट होता जाएगा द असेंडिंग लिम्स इज इंपरमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट

NECL निकलता जाएगा फ्लूड अगेन डाइल्यूट हो जाएगा काउंटर करेंट इसी पर बेस्ड है समझ रहे हो चलो अब डीसीटी की बात करते हैं तो डीसीटी भी पार्टिसिपेट करती है अगर मैं DCT की बात करूं डीसीटल कन्वोलेटेड ट्यूब की बात करूं तो ध्यान रखना डीसी के अंदर डीसी के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है एच सी ओ थ्री एन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहां पर एन ए सोडियम आयन का हो रहा है ठीक है वाटर का एब्जॉर्बन हो रहा है एनसीआर की साफ साफ लाइन है किसका सीक्रेशन हो रहा है जो टॉक्सिक चीजें उनको फेंका जा रहा है जैसे एच आयन का सीक्रेशन हो रहा है जैसे पोटेशियम आयन का सीक्रेशन हो रहा है जैसे अमोनिया अमोनिया का भी सीक्रेशन यहां पर होता है आप समझ रहे हो इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो एच आयन का सीक्रेशन हो रहा है अमोनिया का सीक्रेशन हो रहा है पोटेशियम आयन का सीक्रेशन हो रहा है इनका सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है आयोनिक हैं और ये खतरनाक चीजें बिगाड़ते हैं पी हैं ये मेंटेन करते हैं। तो ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं ठीक है तो एनसीआर की लाइन सारी क्लियर है ठीक है कंडीशनल रि हाँ एक चीज और यहां पर कंडीशनल रि होता है सोडियम आयन का और वाटर का ठीक है सोडियम आयन का और वाटर का सोडियम आयन का कंडीशनल रिप्शन का मतलब क्या है सोडियम आयन तब होगा जब एक हार्मोन एक हार्मोन एल्डोस्ट्रॉन निकलेगा तब यहां से ठीक है वो सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा ठीक है तो सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन कौन कराता है एल्डोस्ट्रॉन एल्डो ये सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा

पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है पूरा मैंने इस डायग्राम में ऐड कर दिया समझ में आ गया होगा आगे बढ़ता हूं डीसीटी डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब में भी एडीएच के रिसेप्टर होते हैं मतलब डीसीटी में डीसीटी में अगर बात की जाए डीसीटी में अगर बात की जाए डीसीटी के अंदर तो यहां पर भी समझना यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहां पर भी एडीएच के रिसेप्टर होते हैं के रिसेप्टर होते हैं कुछ अमाउंट में यहां से यूरिया यूरिया भी रिएब्सर्व होती है कुछ अमाउंट में यूरिया भी यहां से रिब्जॉर्व हो जाती है ठीक है तो कलेक्टिंग डक्ट इसमें सीक्रेशन भी होता है बिल्कुल सीक्रेशन भी ठीक है ठीक है? है।, है, है चलो देख लो कलेक्टिंग डीज लॉन्ग फ्रॉम कॉटेक्स ऑफ द किडनी

एन बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ये सीक्रेशन हो रहा है ऑफ एच आइन एंड पोटेशियम आइन इन तीन लाइनों में पूरा पैराग्राफ समाहित है समझे आगे आ जाओ अब NCRT ने डायग्राम में एक साथ दिखा दिया है ये सब क्या चल रहा है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब ये क्या चल रहा है सीक्रेशन ये क्या चल रहा है एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन समझ रहे हो ये क्या चल रहा है एब्जॉर्प्शन एब समझना मेरी बात ये क्या एपज्शन ये भी एबज समझ रहे हो डिसेंडिंग लूप में एच टू का एबज्शन असेंडिंग के अंदर एन एस सी एल का एब्ज एक एक चीज क्लियर है यहाँ पर सीक्रेशन सिर्फ यूरिया का होता है और किसी भी चीज का सीक्रेशन नहीं होता पूरा डायग्राम क्लियर होना चाहिए आगे आ जाओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई ठीक है तैयार हो क्वेश्चन के लिए या नहीं सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो कमर कस लो ठीक है इसके बाद हम काउंटर करंट पर आने वाले हैं उसके बाद रेगुलेशन ठीक है और लास्ट के अंदर कुछ छोटा पछता है उसमें कंप्लीट कर देंगे ठीक है ऑल्सो कैपेबल ऑफ रि ऑफ ठीक है द आर एसोसिएटेड तीन कुछ फीचर्स दे रखे हैं ये पूछ रहे हैं किससे एसोसिएटेड हैं ये सारे फीचर्स पहला देख लो

डी डी सी टी डी सी टी में के रिसेप्टर भी होते हैं ठीक है थीके? तो डीसी में होगा सी दे रखा सी लगा दो ठीक है इस के क्वेश्चंस आपके लूप ऑफ हैनले में होता है द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम टू इलेक्ट्रोलाइट डिसेंडिंग बिल्कुल सही दिखा देता हूं ठीक है हम बात कर रहे हैं किसकी असेंडिंग लूप ऑफ एनले तो लूप ऑफ एनले क्या बोल रहा है ठीक है डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूपले इज पर ठीक है वॉटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट दिस कंसेंट इज दसेंडिंग टू वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी और ठीक है नहीं यहां देखो हाँ रिओब्जॉप इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्स आ गया ना मिनिमम रियब्जॉप कहां हो रहा है असेंडिंग लिम्स में मिनिमम रिओब्जॉर्न हो रहा है डिसेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में तो हो मतलब हो रहा है Ascending में minimum हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का होता है ठीक है? है ये पूछेगा, और तो ध्यान रखना आपको, Confused नहीं होना, यहां तक समझ में आ गया? Both. First and second are correct. आ गया? आगे जाओ। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल इज फॉल्स पीसीटी से रिलेटेड पूछ रहा है false पूछ रहा है, इट इज लाइन बाय सिंपल क्यूबेडल ब्रश बॉर्डर

लूप ऑफ were एबसेंट फ्रॉम मेमिलियन ठीक है क्या आप मानोगे? अगर PCT को हटा दिया जाए तो क्या होगा पीसीटीटम रीअब्जो करता है ठीक है तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्शन नहीं होगा यूरिन बिकम मोर यूरिन बिकम मोर डायल्यूट ए लगा दोगे पीसीटी हटा दोगे तो यूरिन ज्यादा डायलूट हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जो PCT में ही होता है अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेट

अगला क्वेश्चन आएगा कौन कौन से पार्ट इस काउंटर करेंट में पार्टिसिपेट करते हैं आप बोलोगे लू, लूप लूप ऑफ ऑफ हेनले हेनले एंड वासा रेक्टा इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ठीक है जो इसके अराउंड होती है ये मिलकर के काउंटर करेंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है ये यूरिन को फोर टाइम कंसंट्रेट करती है फोर टाइम इनिशियल फिल्ट्रेट के फोर टाइम कंसंट्रेट करती है एक क्वेश्चन ये आएगा ठीक है अब काउंटर करेंट मैकेनिज्म होती कैसे है ठीक है ठीक है ये क्या है बढ़ता हुआ क्रम, जब ऊपर से नीचे आओगे तो आपका जो ये डिसेंडिंग पार्ट है वाटर के लिए परमेबल होता है तो धीरे धीरे वाटर क्या होता जाएगा से एब्जॉर्व क्यों हो रहा है बढ़ता हुआ ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट ये वाटर को खींचेगा और तब तक खींचेगा जब दोनों की ओसमोरिटी बराबर न हो जाए दोनों की ओसमोरिटी बराबर न हो जाए तब तक वाटर निकलता रहेगा और नीचे आते आते इसकी हंड्रेड हो जाएगी यानी मैक्सिमम वाटर निकल गया निकल के कहा गया ब्लड में गया ठीक है वासा में गया और फाइनली फिल्ट्रेट क्या हो गया कंसनट्रेटेड अब ये कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पार्ट किसके लिए परमेबल है एनएसीएल के लिए तो यहां से एनए निकलता जाएगा एन निकलता जाएगा कहाँ जाएगा

सबसे कम होती है भाई नॉर्मल बॉडी फ्लूड की ऑस्मोलिटी थ्री हंड्रेड होती है पर डीसीटी की ऑसमोलिटी उससे भी कम होती है टू हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर एक बहुत बड़ी बात है समझना मेरी बात ठीक है अब टू हंड्रेड से जैसे ही हम एंटर करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मैंने वॉटर क्लीपर में है तो वॉटर कंटिन्यू क्या हो रहा है यहां से एब्जॉर्व कुछ मात्रा में यूरिया भी निकल रही है फाइनली जो यूरिन बन रही है वो इनिशियल फिल्ट्रेट के ठीक है फोर टाइम कंसेंट्रेट सर समझ में आ गया कि कैसे ये डाइल्यूट होके फाइनली बन रहा है पर सर इस काउंटर करेंट को मेंटेन कौन कर रहा है ऐसे जैसे जैसे ब्लड में जाएगा तो ब्लड का फ्लो ऊपर ऊपर से से नीचे नीचे तो ये NACL से नीचे आएगा अब नीचे क्या हो गया ये वाला पार्ट हाईली कंसनट्रेट हो गया जैसे ही ये ब्लड ऊपर मूव करेगा तो इस ब्लड से एनएससीएल निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा और ये ऑस्मोलोडी ग्रेडियंट फिर से मेंटेन हो जाएगा सोचो अगर ये

जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे चाहे वो ठीक है आप नेफ, ने, लूप ऑफ हेनेले में आओ या वासा रेक्टा में ऊपर से नीचे आओ जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे वाटर एब्जॉर्ब होगा एक लाइन में लिख दिया है मैंने जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे वासा रेक्टा हो या लूप ऑफ है हमेशा वाटर एब्जॉर्ब होगा जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे किसी के अंदर भी ठीक है किसी के अंदर भी हमेशा एनए एब्जॉर्ब होगा एनसीआर के डायग्राम में भी साफ साफ दिखा रखा है साफ साफ दिखा रखा है देखो ध्यान से देखोगे ठीक है जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें देखो ऊपर से नीचे आओगे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है जब नीचे से ऊपर जाओगे एनएसीएल एब्जॉर्ब हो रहा है नीचे से ऊपर जाओगे एनएसीएल एब्जॉर्ब हो रहा है सिंपल <coughs> कंसेप्ट कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे जिंदगी में फेल नहीं होगे ठीक है वासा रेक्टा को उठा के यहां रख दिया है हमने उसको साथ में लगा के दिखाया है ठीक है एक एक कंसेप्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा ठीक है इसको फिर यहां आ गया ये बड़ा घूम रहा है भाई इसको हटाते हैं ठीक है इसको हटाते हैं और अब हम क्वेश्चन लगाते हैं ठीक है इसको हटाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं ठीक है चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं चलो यहाँ तक क्लियर है ये भी क्लियर है अच्छा यहाँ पहुँच गया बहुत हो गया भाई काउंटर करंट हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने काउंटर करंट का ठीक है तेजी से आ जाओ तेजी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन काउंटर करंट का आपके सामने है फटाफट रिस्पांस दो फटाफट रिस्पॉन्स दो बेटा फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर करेंट एपरेटस फिर समझना इन विच ऑफ दउंटर करेंट एपरेटस ठीक है कौन कौन काउंटर करेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है लगाओगे आप ठीक है डी लगाओगे काउंटर करेंट जो एपरेटस बन रहा है वो इनके बीच में बन रहा है ठीक है

हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द रीनल मेडुला इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक चीज है जो इस ऑस्मोलिटी को मेंटेन नहीं करती डिफ्यूजन ऑफ साल्ट फ्रॉम असेंडिंग समझना मेरी बात ये लूप ऑफ हेंदले है ये लूप ऑफ हेंदले है इसके अराउंड ये ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स समझना ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है दोनों एक सब एक दूसरे काउंटर में ठीक है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम असेंडिंग असेंडिंग लिम्स ऑफ ऑफ लूप असेंडिंग से डिफ्यूजन ऑफ साल्ट हो रहा है हो रहा है ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्स ऑफ ऑफे लूप ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्स ऑफ बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट यहां से हो रहा है सही है आगे आ जाओ स्पेशल अरेन्जमेंट ऑफ जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन का स्पेशल अरेन्जमेंट पूछ रहे हैं यस क्योंकि बिल्कुल सही डिफ्यूजन ऑफ अच्छा इसके हिसाब से तो सब सही हो रहे हैं ठीक है देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ यूरिया एक्सेप्ट द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ रीनल मेडुला इज मेंटेन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन है जो मेडुलरी को मेंटेन नहीं कर रहा कर रहा है ये भी कर रहा है ठीक है फर्स्ट सेकंड तो कर रहा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम असेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हैनले ठीक है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ है कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्स अच्छा डिसेंडिंग लिम्स की बात चल रही है तो ये तो असेंडिंग हो गया ये तो गलत है ये तो गलत है वाटर क्लियर होगा

जो इस ऑस्मोरोटिक रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट असेंडिंग के अंदर होता है, descending, descending, ही है, से नहीं होते, है? आप समझ रहे हो ना ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट डिसेंडिंग लूपेंडिंग वाक्टा से होते हैं तो इसमें ऑप्शन एक, एक आएगा कौन सा आएगा ए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन ठीक था अच्छा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में तीन रेगुलेशन है थ्री रेगुलेशन है समझना कौन कौन से रेगुलेशन एक तो मैंने बता दिया आपको एक रेगुलेशन तो मैंने बता दिया आपको एक रेगुलेशन तो, तो हम डिस्कस कर चुके हैं अब आ जाओ रेगुलेशन बाय किडनी फंक्शन पहला रेगुलेशन क्या है? देख लो रेगुलेशन बाय ब्लड प्रेशर कम हो जाए जीएफआर मेरी बात ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए आप समझ रहे हो थ्री हंड्रेड से ज्यादा हो जाए यानी ब्लून वॉल्यूम बढ़ रहा है मैक्सिमम वाटर निकल रहा है तो अंदर पानी की कमी हो जाएगी ऐसे केस में ये कंडीशन है सीधे हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर होते हैं ना उनको स्टूमुलेट करती हैं वो तुरंत एडीएस का करते हैं और को भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है कलेक्टिंग कलेक्ट से वाटर का रि चालू हो जाता है ठीक है और वापस सब चीजें मेंटेन हो जाती हैं ये है रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस पहला रेगुलेशन दूसरा रेगुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ रेगुलेशन बाय जेजी सेल ये पूरा बता चुका हूँ मैं रास के थ्रो

क्या काम करेगा ये एंटागोनिस्टिक होता है अपोजिट होता है रास का। रास जो करेगा उसका उल्टा करेगा। तो रास बीपी बढ़ाता है और यूरिटिक होता, होता है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा डायूरिटिक का मतलब है जिनको पीने से यूरिन ज्यादा आती है वो डायूरिटिक होती है कॉफी डायरेटिक होती है एन एफ डाई यूरिटिक होता है चाय डाईटिक होती है आप समझ रहे हो ठीक है एल्कोहल डायटिक होता है इन चीजों को लेने से यूरिन ज्यादा आती है जो यूरिन ज्यादा पैदा करते हैं बनाते हैं वो होते हैं तो तीन मैकेनिज्म है इसके रेगुलेशन की तीन ही मैकेनिज्म है रेगुलेशन की ठीक है तो तीनों मैकेनिज्म मैंने करा दी है ऑलरेडी आ, आ जाओ तीनों मैकेनिज्म कवर मैंने कवर कर दी ऑलरेडी ट्रिक से तो किडनी फंक्शन मैं रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन फीडबैक मेकेटेन होता है बता दिया मैंने हार्ट से कैसे मेंटेन होता है तीनों बता दिया मैंने ठीक है कुछ भी नहीं बच्चा आपका ये तीनों आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं अब क्वेश्चन देख लेते हैं ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन किसमें चेंज होने की वजह से ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो बताया था मैंने ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाए concentration change हो जाए, तो बोथ लगा दो एंड बी इन दोनों के चेंज होने की वजह से ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे निकलना चालू कर देगा ठीक है चलो नेक्स्ट एडीएच सिंथेसाइज सब में दे रखा है ठीक है बाय हाइपोथेलेमस रिलीज्ड बाय

स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर किसी का ब्लड का फ्लूड वॉल्यूम ज्यादा है तो उस समय क्या ऑस्मो रिसेप्टर होंगे जरूरत ही नहीं है भाई ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो स्विच ऑफ हो जाएंगे ठीक है एंड सप्रेस द एडीएस रिलीज और एडीएच नहीं निकलेगा यार बिल्कुल सही जब ये ऑफ हो जाएंगे तो एडीएस क्यों निकलेगा बिल्कुल सही एडीएस कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स का दूसरा नाम क्या है वैसोप्रेसिन ठीक है तो कौन भाई ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ठीक है ठीक है जिसकी वजह से क्या हो होगा बीपी हाई होगा ग्लोमेरुलर फ्लो ब्लड फ्लो मोर हो जाएगा बिल्कुल ठीक और जीएफआर बढ़ जाएगा भाई बिल्कुल सही भाई एडीएच अगर निकलता है तो ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है जिससे बीपी बढ़ता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है अब देख लो एनजियोटेसिन सेकंड ठीक है बींग पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ठीक है इनक्रीज ग्लोमरूलर प्रेशर ठीक है एंड देयर वाइज एफ आर बिल्कुल सही एनजेन सेकंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्ट्रॉन ठीक है प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड सीटी 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 में एल्डोस्ट्रॉन के रिसेप्टर कहां होते हैं एडीएस के होते हैं ठीक है ठीक है लीडिंग टू इंक्रीज बीपी जी एफ आर ए एन एफ कॉज वैसो डाइलेशन एंड इंक्रीज जी एफ आर अच्छा चलो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ सी कर दिया है कलेक्ट ए, कलेक्टिंग टिब्यूल ठीक है कलेक्टिंग डक्ट नहीं है ठीक है ठीक है टर्मिनल पार्ट ऑफ डी कलेक्टिंग टिब्यूल बोल सकते हो ठीक है तो ठीक है पर ए एन एफ कॉज वैसो डायलेशन की वजह से जी इंक्रीज जी एफ आर जी एफ आर बढ़ेगा नहीं घटेगा समझ रहे जी एफ आर घटेगा डी ऑप्शन आएगा ठीक है ए एन एफ घटाता है और रास जी बढ़ाता है दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं नेक्स्ट आ जाओ रास रास ट्रैगर वेन द जस्टाग्लोमर सेल टू सेल ऑफ जे रिलीज रेनिन सही है भाई इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ वुल किडनी फंक्शन करता है इट एक्टिवेट बाई द प्रेजेंस ऑफ ए एन एफ ए एन एफ की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा नहीं 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 ठीक है ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इन करेक्ट डी लगा दो भाई

एक एक चीज क्लियर होगी आपकी एक एक चीज स्टेटमेंट फर्स्ट देखो एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ सप्रेस एडीएस रिलीज सही है एडीएच कैन इफेक्ट ऑन किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रक्टिंग द इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स अच्छा जी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं ठीक है करा चुका हूँ तो मैं नेक्स्ट आ जाओ मिक्चुरेशन मिक्चुरेशन क्या है यूरिन का रिलीज होना अब यूरिन कब रिलीज होती है जब ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस फिंग नीचे लगा हुआ रिलैक्स करता है ठीक है यही समझा देता हूँ मैं एक मिनट के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर है नीचे यूरेथरा है यूरेथरा ब्लैडर पर क्या लगे होते हैं इस ब्लैडर पर क्या लगे होते हैं बेटा इस ब्लैडर पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं इस ब्लैडर पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर समझना इस ब्लैडर पर क्या लगे हुए है? हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे जैसे यूरिन आपकी बनती जाएगी ये रिसेप्टर सिग्नल भेजते जाएंगे और यहां अगर हम बात करते हैं समझना यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको बंद रखता है अब समझना मिकेशन कैसे होगा जैसे जैसे इसमें यूरिन बनती जाएगी यूरिन बनती जाएगी ब्लैडर के अंदर ये स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल कहां भेजेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास समझना एन अब एन के दो पार्ट होते हैं

इसको रिलैक्स कराएगा खोलेगा तभी तो यूरिन पोषोगी ठीक है यानी पीएनएस का काम कराएगा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और रिलैक्स क्या कराएगा रिलैक्स स्फिंक्टर इस दोनों की वजह से क्या होगा मिक्चुरेशन होगा यहां वजह से क्या होगा मिक्स्यूरेशन मिक्सुरेशन रोकना हो तो क्या करना होगा कोई इमरजेंसी में फंस जाओ कोई कमरे में बंद करके चला जाए तो रोकना पड़ेगा तो सिस्टम कौन सा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो काम करेगा ठीक है समझना ये ब्लैडर को तो फैलाएगा आपको रोकने की कोशिश करेगा फैलाएगा इसको दबा के रखना पड़ेगा यानी क्या काम करेगा डायलेशन डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंग इसकी वजह से क्या होगा स्टॉप मिक्सुरेशन स्टॉप मिक्चुरेशन तो ये समझ में आ गया कि जब भी यूरिन फिल होना चालू होगी

कितनी यूरिन पर डे रिलीज करता है हम बता चुके हैं यूरिन फॉर्म इज स्लाइटली येलो येलो कलर की होती है ठीक है स्लाइटली एसिडिक होती है ये आप जानते हो ठीक हैिस्टिक ऑर्डर ठीक है

इसके अलावा अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो इसको ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं तो उसको कीटोन यूरिया बोलते हैं ठीक है ये कंडीशन क्या बताती है ये कंडीशन बताती है आपको डायबिट

अब एनसीआरटी पर कमांड होगी या नहीं होगी होगी ना यार ऐसे ही होगी यही सही तरीका है और ऐसी कमांड होती है समझ रहे हो ठीक है चलो द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिविंग बिलो इन ठीक है अनऑर्डर्ड मैनर ठीक है अनऑर्डर्ड मैनर में देखा इसको ऑर्डर मैनर में लगा दो ठीक है सबसे सबसे पहले पहले क्या होगा जरा द ब्लैडर फिल विद यूरिन यस नंबर पर क्या होगा सबसे पहले यूरिन ब्लैडर के अंदर आएगी जिससे क्या होगा स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होगा सिग्नल कहाँ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और तब जाकर के मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म होगी तो क्या लगाने वाले हो सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड मिल गया हमको डी लगाओगे आप ठीक है डी समझे ये मैनर भी पूछ सकता है अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सट्रीशन तो अदर ऑर्गन का भी क्या कोई रोल होता है एक्सट्रीशन में यस किस किस ऑर्गन का रोल होगा देखो जरा बताता हूं अभी मैं देखो यहां पर रु रु भाई किडनी का तो मेन रोल होता ही है लंग्स का भी रोल होता है सीओ टू वाटर निकालने में लिवर का भी रोल होता है को निकालने में स्किन का भी रोल होता है स्वेटिंग और सीबीसी के थ्रू निकालने में ठीक है आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ये चार ऑर्गन है बस ध्यान के रखना है सीओ टू कितनी निकलती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्वेंटी हंड्रेड एम एल पर मिनट सीओ टू निकलती है ठीक है इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे निकलता है लंग से एक रोल समझ में आ गया ठीक है लिवर की बात करते हैं लिवर लिवर क्या निकालता है लिवर की अगर बात की जाए तो ये सीक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सबिस्टेंस जैसे ब्लू जिसमें ब्लू बडिन भी होता है कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड स्ट्रॉइड हॉर्मोन विटामिन एंड ड्रग्स ये सब चीजें बाइल के अंदर होती हैं जो लिवर से निकलता है ठीक है इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्किन में क्या क्या होते हैं स्वेट ग्लैंड और सीबीसी ग्लैंड ये क्या निकालते हैं ये एलिमिनेट करते हैं जैसे देयर सीक्रेशन स्वेट प्रोड्यूस स्वेट में क्या क्या निकलता है समझना स्वेट में क्या क्या निकलता है स्वेट में निकलेगा एनएसएल स्मॉल अमाउंट में यूरिया लैक्टिक एसिड एटसेट्रा अगर सीबीसी ग्लैंड में पूछता हूं फेसिलेट कूलिंग सरफेस हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम

बेस्ट इन दियर सिक्रेशन क्लियर है इलिमिनेट समेस्ट इन दियर सिक्रेशन समझ पा रहे हो यस या नो फटाफट बताओ चलो कोई नहीं ठीक है चलो हां हाँ, यहां बताओ क्या पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द एवप स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट पूछा है द ह्यूमन स्किन पॉसिस स्वेट

डर बचे हुए हैं ठीक है आपका साथ चाहिए बस ठीक है तुम साथ देते रहो ठीक है तो पूरे डेडिकेशन से चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हम रिवाइज कराते रहेंगे समझ रहे हो ठीक है शुरू से कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल जाए और एग्जाम टाइम तक मल्टीपल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वे में आपका रिविजन करा दे जैसे कि इसी साल फोड़ दो यार ठीक है नेक्स्ट ईयर का चक्कर नहीं रखना ठीक है इससे बाहर तो नहीं जाएगा एनसीआर लाइन टू लाइन हो रही है थ्योरी में करा चुका हूँ ऑलरेडी ठीक है NCRT करा रहा हूँ सारे पीवाई क्यू इंक्लूड कर दिए हमने और सारे आपके क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए इसके बाद कुछ बसा तो नहीं है डिसऑर्डर में समझना पहला डिसऑर्डर आपको जाता है यूरी मिया। यूरी मिया। समझ रहे हो अगर मिया मतलब blood, blood अगर मतलब ब्लड ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ रहा है मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इंडिकेट हो रहा है यूरिमिया केस में ठीक है तो कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया विच इज हाईली हार्मफुल एंड वेरी लीड टू किडनी फेलियोर ठीक है तो क्या करानी पड़ेगी किडनी फेल फेल होगी तो आपको हीमोडायलिसिस कराने पड़ेगी यानी उस ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस्ट को निकलवाना पड़ेगा तो क्या करना होगा आपको चाहिए हीमोडायलिसिस के लिए आर्टिफिशियल किडनी आर्टिफिशियल किडनी ठीक है अब आर्टिफिशियल किडनी से रिलेटेड जब भी बात आती है तो इसमें जरूरत पड़ती है डायलाइजिंग फ्लूड की कैसे काम करती है ये आर्टिफिशियल किडनी एक मिनट देख लो मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ करके रखा है ये आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है इसके बाहर एक ट्यूब होती है इसको सेलोफिन ट्यूब बोलते हैं ट्यूब के बाहर एक फ्लूड होता है इसको नहीं होते। नाइट्रोजनस को छोड़ दो, इसके अलावा जो प्लाज्मा में चीजें होती हैं बिल्कुल उसके आइसोटोनिक होता है आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा ठीक है हाइपोटोनिक टू एक्सिटरी सबस्टेंस समझ रहे हो यानी बिल्कुल नहीं होते

ये समझना है आपको रीनल फेल्यूर किडनी फेल करती है तो हीमोडायलिसिस करके कैसे आपको ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है उसका पूरा मैकेनिज्म डाल दिया अब क्वेश्चन छूटेगा नहीं कोई आपका इस डायग्राम के बाद जैसे मैच द कॉलम ठीक है ठीक है यानी अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाए तो उसको यूरिमिया बोलेंगे कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे कीटोन यूरिया बोलेंगे ठीक है ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप के अंदर होती है अब बताओ क्या चीज छूटी आपकी

जिनको हम ऑक्सिलेट्स बोलते हैं समझे तो बेटा अपनी तरफ से बेहतर तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस आपका साथ चाहिए एक कमेंट जरूर करना लास्ट में कि वाकई में इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही क्योंकि ये आपके कमेंट कहीं ना कहीं टीचर्स को मतलब मुझे ही नहीं कोई भी टीचर हो उसको मोटिवेट करते हैं मेहनत करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं अच्छा कंटेंट देने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं ठीक है एग्जाम तक जुट के आपके साथ लगे रहने के लिए ठीक है तो बेटा ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है लगे रहो डटे रहो ठीक है ये सीरीज आपकी चालू हो गई है ठीक है है अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लियर तो उस चैप्टर में भी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहा है ठीक है और आपका मैं द्रोणा सीरीज के अंदर जस्ट लेकर के ही आ रहा हूं ठीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ठीक है तो आपका दोनों सीरीज उसके बाद एंड हो जाएगा संजीवनी आपका एंड हो चुका है ठीक है और इस सीरीज के अंदर मैं पूरा एनसीआर इस बार लाइन वाइज लाइन विद क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ तो बेटा ऑल द बेस्ट ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगर वाकई में यार तुम्हें लगा हो या सर ने मेहनत की है तो आप लेक्चर शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ ठीक है क्योंकि जितना होगा तो मोटिवेशन यहाँ से एक मोटिवेशन एनर्जी मिलती है जो मतलब कहती है कि यार हर अनफेवरेबल कंडीशन में आप लगे रहो और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि टीचर आपके साथ हैं हर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आप अकेले नहीं हो ठीक है दोनों मिलकर के अपने टारगेट को अचीव करेंगे ठीक है तो आपका टारगेट वो आप का टारगेट नहीं है वो कहीं ना कहीं ठीक है टीचर्स का भी टारगेट है हमारा भी टारगेट है तो बेटा हर अनफेवरेबल कंडीशन में आपके साथ रहेंगे ठीक है और जो टारगेट है नीट को फोड़ना फोड़ के रहेंगे ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात तो मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट बाय ठीक है